नाम लिखा दिया मेरा, नाम लिखा दे भाई। ओ भाई कितने लोग बीमार हैं। हंस क्यों रहे हो? मैं कितना ही बुखार, ये हंस रही है कि बुखार हो रहा है कि आप मेरे को इसलिए सारी सिचुएशन में व्लॉगिंग कर रहा व्लॉग। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग भाई सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, उठने में अगेन फिर से लेट हो गई क्योंकि भाई दुकान क्लोज करने में कल हमें भाई 2 बज चुके थे, रात के 2 बजे भाई साहब अपनी शॉप का दिवाली के पटाखे बम पटाखे भाई फुल पैक कर दिया। आज हम उन्हें अपने गोदाउन में फिट कर देंगे। तो नेक्स्ट भाई अब सीधे अपने काम की तैयारी करते हैं। भाई आज अपना ठंडे पानी से नहाने जा रहा है, मैं रोज़ अगेन वैसे तो मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाया, गर्म पानी से कभी नहाया, लेकिन भाई वाइफ मना करती है कि ठंडे पानी से मत नहाओ क्योंकि ठंडा लग जाएगा, जुकाम वुकाम हो जाएगा। तो हमें तो भाई बचपन से भाई पहाड़ों में भी रहने वाले तो ठंडे पानी से नहाते थे। तो चलो सबसे पहले भाई कपड़े वपड़े पहनते भाई। घर की भी बहुत सेटिंग करनी है, पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। और भाई सबसे पहले ना भाई लाइट्स बंद करके आता हूँ, दिवाली की लाइट्स ना पूरी सुबह ऑन रहती। और लेट उठा, ओ मेरी डोरा, डोरा गेट के बाहर घूम रही। कहाँ से घूम के आ रही, कहाँ से घूम के आ रही? आ जाओ, अरे मैं ऐसे ही चले जाऊँगा, लाओ दो फिर दो। ये भाई बिना चप्पल के भी नहीं जान देगी मेरे को। और ये कम रूम भी हमारा भाई ऐसे खोच पोच हो रहा है ना इधर। और ये बैठ कर ये गद्दा उठा देना है। और ये इधर भी भाई पूरी सेटिंग करनी है घर की। क्या चप्पल दो मेरे। और भाई ये छत में देख रहे हो कितने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं भाई। पचाता जी के पास हम ये बोतल लेकर आए थे इसमें रॉकेट उड़ाने के लिए, लेकिन सारे मैंने भाई हाथ से उड़ाए। अनार अनार भाई कितने साल बाद मैंने इतने सारे पटाखे फोड़े। भाई बहुत दिनों बाद पहुँचे भाई ठीक सामने विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल पे। और भाई यहाँ का तो थोड़ा गेटअप भी चेंज हो गया, तो अभी तो भाई ऐसी है ये सामान। भाई ये बनाया सजन कोट, और ठीक साइड में भाई ये दे रखे स्टॉल्स जहाँ खाने लगेंगे। सामने स्टेज बोला, अभी स्टेज के हट है, स्टेज पता नहीं अभी पता नहीं है कहाँ लगने वाला है। और भाई इस समय मैं आया हूँ गैलरी में, और गैलरी में भाई पूरी गुफा से पूरा सेट बनाया गया है, फ्लावर का हैंगिंग फ्लावर्स डाले गए हैं। तो भाई इसमें बहुत मज़ा आता है जब रात में ना भाई लाइट्स जलती हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं, ना मैटिंग हुई है ना नाइस चीज़ें लगी है, ऊपर से बस खाली झूमर लगे हुए हैं। तो भाई रात में पता चलेगा भाई कितनी हाईलाइट हो जाती है, बहुत तगड़ा सीन लगता है इसका। सो भाई वेंटेज गार्डन से निकल के अब जा रहा हूँ सीधे घर को, भाई भूख भी लग रही है। और अभी मैं पहुँचा हूँ भाई राजू के पास। भाई सबसे पहले तो भाई भूख लग रही है तो खाना वाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद चलते हैं। तो सिलाई मशीन वाले भी ऐसे घूम रहे हैं। तो खाना वाना खाने के बाद सीधे चलेंगे कहाँ, सीधे जाएंगे भाई अपने पढ़ाई की दुकान पर। क्लोज कर दिया है उसको भाई, सामान उठा के ना पैक कर देते हैं सही से। भाई पहुँच गया हूँ घर, और इस समय भाई पेट में ऐसी जलन उठती है भाई, कल सब्जी में ना इनने बहुत मिर्ची डाल दी इस चक्कर में भाई। फिर अभी इसने बनाया मेरे लिए मट्ठा, भाई बहुत हालत डाउन हो चुकी है। भाई ये बन गया मट्ठा, एक ही गिलास बनाया आपने भैंस कितना, तो आप भी हो ना, ना मैं नहीं पीऊँगा ज़्यादा, अरे अरे पी लो पी लो, खत्म आधा जग पी गया भाई मैं तो। और भाई आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो ये बताने क्या बना रही, ये क्या बना रहे हो आप, इतना प्याज है, प्याज डाल के बनाओ, ऑयल मत डाला करो इतना यार, कहाँ डाला ऑयल, ये इतना इतना वो नहीं खाता यार, इतना ऑयल नहीं खा पाता हूँ, ऑयल बिल्कुल ना प्र वाले तवे में बनाया करो ना, वाला तवा कौन सा हो, उसमें बनाया करो वो सही रहता ना, नॉन स्टिक कहते ना उसे। देखो ऑयल देख रहे हो कितना है, कहाँ है ऑयल, कहाँ है ऑयल, ज़्यादा नहीं खाने का मेरे को, मैं बिल्कुल आधा चम्मच आ गया बस हो गई इस, थैंक यू। ये कैसी थाली है, गोल्डन है, तांबे की है क्या, है तांबे की है, लो भाई आ गया अंडा, भाई सूखा ही अंडा भैंस के, और कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं है इसमें, मैंने ऐसे पूछा था सब्जी है भी नहीं अंदर, खाली ये अंडा खाऊं बस, इसमें क्या है, खोलो से यार, रोटी है, रोटी है, ओनली रोटी, ओके। सो भाई फाइनली लाइट्स ऑन कर दी गई है, और भाई इतनी प्यारी गैलरी लग रही है ना। सो बहुत दिनों बाद अभी ये भी लैंप ऑन होना है, तो बहुत दिनों बाद ना भाई मतलब सीजन ऑन हुआ है जो इस बार, मतलब 3-4 महीने के बाद सीजन ऑन हुआ, उसकी फर्स्ट वेडिंग है इस बैंकेट हॉल पे। मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन होता है ना, इतना अच्छा, हल्द्वानी का जो बिगेस्ट सबसे बड़ा बैंकेट हॉल है ना वो ये है भाई, विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल। भाई इतनी लंबी गैलरी ना, वो कोना दिख रहा है उस कोने तक भाई गैलरी है, उसके बाद भी नीचे है। और अब धीरे धीरे लाइट्स ऑन करें क्योंकि उसके बाद भाई सीधे गेस्ट लोग आने लगेंगे, कितनी घड़ी गैलरी। भाई इधर लगा भाई पान काउंटर,
और भाई पूरा इतना प्यारा सेटअप बना हुआ है ना यार, राउंड टेबल्स भी लगे हैं और हल्के हल्के से गेस्ट्स लोग भी आ चुके हैं धीरे धीरे। और भैया यहाँ पे मिकी माउस तैयार कर रहे हैं भाई। अभी तो फिलहाल पूरा गार्डन है ना, पूरा गार्डन भाई खाली है। ठीक 15 मिनट बाद भाई ऐसी भीड़ होने वाली है कि यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं लगता है। भाई ये है सैलेड काउंटर, भाई देखना डिजाइनिंग कितनी अच्छी काटी है इन्होंने। नींबू भाई ये क्या है पता नहीं। प्याज भाई इतनी अच्छी अच्छी कटिंग कर रही है ना। टमाटर को देखो कितने प्यार से काटा है, इतने अच्छे डिजाइन कर रखी है। ये रहा खीरा भाई, ठीक सामने रहे कॉफ़ी काउंटर। LED वॉल भी भाई ऑन हो चुकी है भाई लोगों की। ओहो मजा आ गया। तो चलते हैं भाई अंदर की ओर, एक बार बिल्डिंग दिखा दें क्योंकि इस बार ना बिल्डिंग का थोड़ा गेटअप चेंज हो चुका है। और भाई ये यहाँ का झरना, कोई नकली पेड़ ट्री ऐसे लगाए हैं भाई, बड़े सॉलिड से लग रहे नंदू भैया ने। तो भाई फाइनली अब अपने घर को निकल गया भाई पैकेट हॉल से। और इस समय भाई आज बहुत फीवर भी हो रहा है, बहुत सारे डाउन हो चुके हैं, अब चेकअप कराना पड़ेगा कल। भाई पहुंच गए घर और ये डोरा हमारा इंतज़ार कर रही। ओह शिट क्या हुआ डोरा, क्या हुआ आ गया आ गया। भाई सीधे अंदर आके भाई सीधे सो गया हूँ। और भाई आज हालत बहुत डाउन हो गई, इतनी जल्दी तो मैं सोता नहीं है। मैं हंस क्यों रहे हो, मैं कितना ही बुखार, ये हंस रही है कि इसमें बुखार हो रहा है कि आप ब्लॉग सीरियस में कुछ भी हो जाए मैं ब्लॉग नहीं छोड़ता हूँ अपना। ये हंस रही है मुझ पर, फिर पेट की बता रहा। सो भाई अभी दवाई मंगा रही है पोवा भाई से। पोवा भाई दवाई लेके आ गए। कौन सी दवाई लाए, दवाई कौन सी लाए? पेट शॉप से लाया हूं। इसमें अपना नंबर, पेट शॉप कुत्ते की दवाई क्या करोगे? देखो ये खानी है, कल खाना है इसको, अभी मत खाना। तो अभी क्या खानी भाई, तबीयत खराब अभी है, ये अभी खा लो। अच्छा ठीक है, इसको आधे घंटे बाद खा लो, पहले ये खाना, आधे घंटे बाद अली खा लो। इनको बता दे, इनको बता दे मैडम को, ठीक है। और फिर ये कल दे देना, ये भी दे देना, ठीक है। और ये भी दे देना बाद में, ये बाद में देना थोड़ी। भाई इतनी सारी गोलियां क्यों लाया, गोली खिलाने के लिए अलार्म फिट करोगे आप? हैं आधे घंटे बाद खाना ना। ओ जा, ये कौन सी एक ही गोली खानी है? हाँ भाई पानी तो, पानी पूरा फिनिश करो पानी पूरा। क्यों पेट में जलन नहीं होती ना, पियो। ओ शिट, और वो मिनरल वाटर नहीं पी पाऊंगा ना, मिनरल वाटर मैं नहीं पी पाऊंगा, मत पियो यार, मिनरल वाटर मत दो यार मुझे प्लीज। हमारी ला गई है भाई, क्या क्या लेकर आए आप? What is this? ओहो सीप, यू आर सो स्वीट माई वाइफ, वाई स्वीट। और इसके लिए पापा भाई के लिए जूस लेके आओ, और जूस पी रहे हो गए भाई, जूस। आधे घंटे बाद फिर एक गोली, ओ भाई ये क्या पानी, इतने गोली खाने में तभी तो सही होंगे, ठंडा लग रहा है। थोड़ा और एक घूट और पी लो ना, फिर मत पियो, अब सो जा माँ, अब लेट जाओ, चलो जा। रात के समय जो बुखार आया, जो तबीयत खराब हुई ना भाई, तो देवेंद्र भाई लोग गाड़ी लेके अभी लोग आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं भाई हॉस्पिटल दिखाने, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मेरी गाड़ी भी निकालती है और इसे भी ले आना पड़ता है, मुझे लग रहा है ये बहुत उछल रही। आप भी आ रही हो? यस। चलो फिर चलो फटाफट, निकल गए हम हॉस्पिटल के लिए। भाई ये गाड़ी से आ रहा है, इसको दिखाओ, ये एंजॉय कर रही है। ये काली भाई बैठे भाई, इसको हर जगह ले आना पड़ता है, इसको घर में छोड़ ही नहीं सकते। और इसकी मम्मी भाई, भाई पहुंच गया, तो पर्ची काट रहे, नाम लिखा दिया मेरा, नाम लिखा दिया भाई। ओ भाई कितने लोग बीमार हैं भाई इस समय, अब इनके लग रहा है इंजेक्शन। हो गया, अरे अंदर तो जाने दे, चलो बाकी बाहर चलो, बाहर बैठो, चलो भाई। फाइनली इंजेक्शन लग चुका है और आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बहुत दर्द हो रहा है भाई। उन्होंने एक इंजेक्शन टेक दिया उन्होंने मेरे, और इंजेक्शन से मुझे बहुत ही डर लगता है, और किसी से लगे ना लगे। तो भाई गाड़ी लेने गए, देवेंद्र भाई वहाँ खड़े हैं भाई, बहुत हालत डाउन हो गई भाई। ठीक सामने एमरजेंसी में हमने अपना दिखा दिया था, तो आ गया। ओ भाई आ गई अपनी गाड़ी, एमरजेंसी में दिखा दिया हमने भाई, आ गए हम लोग, इतना पटाखा कर रहे हैं, पटाखे फोड़ने लगे, हालत बहुत डाउन हो रहा है। ऐसा इंजेक्शन उन्होंने पिछवाड़े पर टेक करा भाई, बहुत लगी और चल भी नहीं पा रहा हूँ, सोऊंगा कैसे। सो गाइस आज बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी है,
भाई भाई बहुत केयर कर रही है। चल मैं तेल लगा, बहुत ज़्यादा डाउन है मेरी और बुखार उतर नहीं रहा, बढ़ चुका है। तो इसी के साथ गए अपने ब्लॉग को अभी यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हिम्मत रही, ताकत रही, एडिटिंग करने की कुछ, तो अपने ब्लॉग कल मेरा जरूर आएगा। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, जय जय भारत।